कटरीना कैफ की एक बात से इतना शॉक्ड हो गए थे अक्षय कुमार की मारना चाहते थे थप्पड़। इंडस्ट्री में अक्षय कुमार एक ऐसे स्टार हैं जो कोरोना काल में भी तेजी से फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं। 21 जून को जहां उन्होंने आनंद एल राय की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू की है, वहीं यशराज बैनर की पृथ्वीराज की शूटिंग कम्प्लीट कर ली है। खबरों की माने तो फिल्म की एडिटिंग पूरी हो चुकी है, VFX वाले हिस्से बस पूरे किए जा रहे हैं। बैनर की कोशिश इसे इसी साल दिवाली पर रिलीज किए जाने की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पिछले साल से रिलीज के लिए रुकी पड़ी उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म सूर्यवंशी को मेकर्स इसी साल इंडिपेंडेंस डे पर सिनेमा घरों में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। डायरेक्टर रोहित शेट्टी की इस फिल्म में अक्षय के साथ कैटरीना कैफ लीड रोल में है, जहां फैंस इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच अक्षय कैटरीना से जुड़ा एक पुराना किस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय ने करीना को थप्पड़ तक मारने की बात कही थी। आपको बता दें कि अक्षय और कैटरीना ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है और उनकी फिल्में सुपरहिट भी साबित हुई हैं। लेकिन स्क्रीन के पीछे दोनों एक दूसरे की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दोनों का एक किस्सा सामने आया है। दरअसल कैटरीना कैफ कैसे अक्षय कुमार को राखी बांधना चाहती थी। साल 2016 में कैटरीना करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में पहुंची थी। शो में उन्होंने फैंस को एक चौंकाने वाली बात बताई थी। उन्होंने बताया था कि 30 मार खान के गाने शीला की जवानी की जब शूटिंग हो रही थी तो अक्षय कुमार को राखी बांधना चाहती थी, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे। कैटरीना ने बताया, उस वक्त मैं एक ऐसा इंसान ढूंढ रही थी जिसका मैं सम्मान करती हूँ और अच्छा दोस्त मानती हूँ। मैंने तभी अक्षय को कहा था कि क्या मैं तुम्हें राखी बांध सकती हूँ। कैटरीना की बात सुनकर अक्षय एकदम शॉक रह गए थे। फिर अक्षय ने कहा था कि कैटरीना, क्या तुमको थप्पड़ खाना है। कैटरीना ने बताया कि वो अर्जुन कपूर को भी राखी बांधना चाहती थी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया।